हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं UP SSC चकबंदी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2019 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यूपी गवर्नमेंट ने चकबंदी लेखपाल यानी सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा 2019 यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 03 एग्जाम 2019 चकबंदी लेखपाल यानी सामान्य परीक्षा प्रतियोगिता 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 6 मार्च 2019 से स्टार्ट हो गई है। 6 मार्च से हमारे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन शुल्क सबमिट यानी फॉर्म सबमिट को करने की डेट अंतिम यानी लास्ट डेट कितनी है, 5 अप्रैल 5/4/2019 लास्ट डेट रखा गया है। और ऑनलाइन आवेदन यानी आवेदन को संशोधन यानी करेक्शन करने की लास्ट डेट कितनी है, 12/4/2019। यानी फ्रेंड्स, 6 मार्च से हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और लास्ट डेट 5 अप्रैल है। इसकी डेट इंपॉर्टेंस है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन करेक्शन 12 अप्रैल तक ही चलेगा और इसको जल्दी से फ्रेंड्स इसको ऑनलाइन कर दीजिएगा। अब इसकी नेक्स्ट डिटेल जान लेते हैं, इसमें क्या फ़ीस रहेगी, ठीक है। इसकी फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 185 रुपीस रखी गई है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 185 रुपीस इसकी फ़ीस है, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपीस है, ठीक है, और ये अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपीज़ है, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपीज़ है, हैंडीकैप कैंडिडेट यानी विकलांग के लिए 25 रुपये फ़ीस रखा गया है। और इसको इसकी योग्यता जान लेते हैं, योग्यता कितनी है फ्रेंड्स, देखिए, अच्छा डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितने पद हैं चकबंदी आयुक्त परीक्षा चकबंदी लेखपाल के लिए, और इसका वेतनमान कितना है, 21,700 से लेकर 69,700, और इसकी आयु सीमा कितनी है, यानी 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट्स इसको ऑनलाइन अप्लीकेशन भर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है, 1,002 सीटें रखी गई हैं, अनुसूचित जाति के लिए 362 सीटें रखी गई हैं, और अनुसूचित जात के लिए 0, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 0 सीटें हैं इस बार, और कुल पद कितने, 1,364। फ्रेंड्स, ये तो थी वैकेंसीज की डिटेल्स, ठीक है। जनरल के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं इसमें, 1,002 सीटें, और इसकी अब देख लें शैक्षिक योग्यता। अच्छा, इसमें आरक्षण भी दिया गया है, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में है चकबंदी आयुक्त चकबंदी लेखपाल के लिए 27 सीटें रखी गई, और विकलांग के लिए हैंडीकैप के लिए 54 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और महिला कैंडिडेट के लिए 272 सीट्स इनकी रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है, और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए कितनी है, 68 सीट्स, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं, नेक्स्ट डिटेल है ये क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल के लिए शैक्षिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की। फ्रेंड्स, इसके लिए ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, केवल 12th ही होनी चाहिए, आपका काम चल जाएगा, 12th होना चाहिए, और अधिमानी अर्हता यानी अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यानी ऐसे दो कैंडिडेट्स जो क्या है ना, उनके मार्क्स सेम रहेंगे, उनको वरीयता सबसे पहले किसको दी जाएगी, दो कंडीशन है इसमें, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो, ठीक है, और राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी NCC बी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, ऐसे कैंडिडेट को पहले मौका दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये इसकी पता आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी, और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष तक यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में जिस कैंडिडेट की आयु है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और क्या है ना, इसमें इस बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो 6 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, इसका क्या है, वैकेंसीज में जो कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशन जाएंगे उस आधार पर ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कोई कंफर्म नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी तो क्या है ना, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की कंडीशन इन्होंने कोई मतलब फाइनल नहीं किया है, ये लोग फाइनल बाद में करेंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन हो गया, ठीक है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, हम लोगों को एग्ज़ाम देना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या करिए, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, 6 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 5 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है, ये देखिए डेट दी हुई है, 6 मार्च से स्टार्ट हो गया, 5 अप्रैल अंतिम तिथि है, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप लोगों को जल्दी से ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में इसकी वेबसाइट्स काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।